हेलो फ्रेंड्स, आज 24 जून है और अब लगभग सभी जगहों पर बारिश हो चुकी है। अब सभी जगह पर मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और आपके जो भी प्लांट गर्मी में झुलस चुके थे, अब वो अच्छे से ग्रोथ करने लगे होंगे। और अच्छा, ये जैसे जो भी प्लांट को हमने कटिंग प्रूनिंग किया होगा, वो सब में अभी अच्छे से नया ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है और सभी प्लांट में नया फूटा भी आ चुका है। ये मेरे गुड़हल के प्लांट को मैंने यहाँ से कट कर लिया था और अब इसमें बहुत सी मल्टीपल ब्रांचें आई हुई है। देखिए, सभी शूट्स नई ग्रोथ कर रही है। और फ्रेंड्स, आपके अब जो भी प्लांट हो, आपको लगे कि आपके प्लांट रूट बाउंड हो चुके हैं, आप उन सभी प्लांट को अब रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने प्लांट को कटिंग या प्रूनिंग नहीं किया है, तो आप अब कर सकते हैं। इस मौसम में कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि आने वाले मौसम में, बारिश के मौसम में, अच्छे से वो ग्रोथ करने लगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये बरगद के बोनसाई के ऊपर है। बरगद जिसको बनियन ट्री भी बोलते हैं और गुजराती में उसको वट भी बोलते हैं। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे बरगद का पेड़ जिसको मैं बोनसाई बना रहा हूँ। पिछले एक साल से मैं इस प्लांट को बोनसाई बना रहा हूँ और यहाँ से देखिए, मैं बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ से मैंने इसको कट भी कर लिया है और इसमें बहुत सी ब्रांच आ चुकी है। तो बोनसाई क्या होता है कि बोनसाई में एक बड़े से जो बड़ा सा जो पेड़ होता है, उसको हम छोटा सा बना के उसको एक छोटे से गमले में, उसका स्ट्रक्चर बड़े पेड़ की जैसा होता है पर वो होता है छोटा सा है, ऐसे किसी पेड़ को तैयार करते हैं, उसको बोनसाई बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी आपके बोनसाई प्लांट, आपको शौक है अगर बोनसाई बनाने का और अगर आप बोनसाई बना रहे हैं, तो ऐसे जो भी प्लांट है, अब इस बारिश के मौसम में आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो इस अभी फरवरी में इस प्लांट को रिपोर्ट किया था, इसलिए आज मैं इसको रिपोर्ट तो नहीं करूँगा। पर इसमें और जो करना है, इसकी ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आगे की तरफ आई हुई है। तो ये जो ब्रांच है, ये अपने इस पेड़ को ये दिख नहीं रहा, ये पेड़ इसके आगे आ जाने से, तो मैं इस यहाँ से कट कर दूंगा इस ब्रांच को, ताकि ये जो प्लांट है, देखिए, इसे ऐसे कट कर दीजिए करीब से, ताकि ये घाव बाद में बढ़ जाए तब लगे भी ना कि यहाँ से कट किया हुआ है। और यहाँ यहाँ से जो ये सफ़ेद रंग का ये सेफ निकलता है, इसको किसी कॉटन से साफ कर लीजिए। और ये साफ का फंगिसाइड पाउडर है, तो इस साफ के फंगिसाइड से इस यहाँ पे ये साफ का फंगिसाइड लगा दीजिए, ताकि यहाँ से इसको फंगस ना लगे और कोई भी बीमारी यहाँ से ना लगे इस प्लांट को। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से अब कट कर दिया, तो अब इसका एक अच्छा लुक लगने लगा। जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था, मैं इसको एक साल पहले नर्सरी से लेकर आया था, तब ये यहाँ तक नर्सरी बैग में लगा हुआ था। पर जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए इसको रूट बेयर किया, तब मैंने यहाँ इसकी तीन टेप रूट देखी बाहर लगी हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक अच्छा लुक लगेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक बाहर रखा। ये बोनसाई पॉट में मैंने एक साल पहले इसको ग्रोथ किया था, हालांकि पिछले फरवरी मैंने इस प्लांट पर रिपोर्टिंग कर दी है। अब जब भी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा, वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, देखिए, इस प्लांट के पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम बोनसाई में इसको एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो ये बड़े बड़े पत्ते इसका लुक बिगाड़ रहे हैं। तो इसके पत्ते का साइज़ छोटा करने के लिए आपको हर साल में दो बार इसके जो पत्ते हैं उसको कट करना पड़ेगा, इसको डीफोलेट करने पड़ेगा। ऐसे आप इसके पत्ते यहाँ से कट कर लीजिए, देखिए, ऐसे सारे पत्ते इसके आप कट कर लीजिए, तब जब इसके दोबारा ये पत्ते आएंगे, ये जितनी बार कट होंगे और दोबारा पत्ते आएंगे, तो इसका साइज छोटा होता जाएगा। इसको भी यहाँ से कट कर लीजिए, इन सभी के सभी पत्तों को थोड़े दूर से कट कीजिए, ताकि यहाँ से इसका नया ब्रांच फूटेगा, नया फूटा आएगा यहाँ से। और सभी के सभी पत्ते मैं कट कर लेता हूँ, कि मैंने इसके सभी के सभी पत्ते कट कर लिए है। जब भी इसमें नई ब्रांच आएगी और नए पत्ते आएंगे, उनका आकार छोटा होगा। और देखिए, सभी के लिए जो सभी पत्ते कट किए हुए हैं, अब इनको हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, ताकि इनको हम कंपोस्ट बनाने में इसका यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें वायरिंग भी कर सकते हैं और वायरिंग करके इसको कोई अच्छा सा शेप भी दे सकते हैं। पर मैं इस वाले प्लांट पर वायरिंग नहीं करूँगा, इसको कटिंग प्रूनिंग से ही एक अच्छे शेप में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं एक अच्छा शेप दूंगा बिना वायरिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बोनसाई के शौकीन हैं और आप बिगिनर हैं, तो आप ऐसे प्लांट यूज़ कीजिए जो हार्डी हो, जैसे ये बरगद का हो गया, पीपल हो गया, या कोई फाइकस को है, या फिर गुलर का प्लांट हो, ऐसे कोई प्लांट लीजिए जो आसानी से रिपोर्टिंग और ये कटिंग प्रूनिंग का शौक झेल सके। क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, ये छोटे से गमले में होते हैं और ये बड़े पेड़ होते हैं,
इसलिए इनकी रूट तेज़ी से फैलती है और इनको हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है। और अगर ऐसे कोई प्लांट होंगे जो रिपोर्टिंग का शौक झेल नहीं पाएंगे तो वो मर जाएंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा और आपका ये बोनसाई बनाने का शौक भी मर जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे ही प्लांट चूज़ कीजिए जो हार्डी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।